रहा बड़े 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 चौधरी ना मुझसे नजर मिलाए तेरे सैया तेरे सैया तेरे सैया 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 की बंदूक चले धाएं धाएं धाएं। फरीदाबाद हो गया गाजियाबाद हो गया, यहाँ के लोगों में ऐसा क्या होता है जो बाकी दुनिया भर के लोगों में नहीं होता? और मुझे लगता है कुछ नेचुरल स्वैग है। सबसे बेस्ट जो मेरी आवाज सूट करेगी वो इसी पे करेगी। तब तो शाहरुख खान नवाज सर ने तो देखो कमाल कर दिए वीडियो में। सांप शेर और जाट को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, कमाल था। मशीन गन तक उठवा दिया आपने। बोले यार इतना तो मेरा वेट नहीं है जितना इसका है। बेसिकली नवाज पाजी जानी और बीपरा अरविंद खेरा उनकी फैमिली वो मानते हैं आपस में। और प्रांजल को क्यों लिया इनके साथ, जबकि प्रांजल और नवाज सर बहुत ऑपोजिट है। मेरे को नवाज भाई ने कहा कि अब की बार जो पार्ट टू करोगे ना तो पहले मेरे को 10 इंच के जूते गिफ्ट करियो। ये मेरा पहला हरियाणवी है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है हिना। कि छोटी मोटी परेशानियों से आपको लोग डर जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। जानी बीप्रैक से मिले हुए मेरे को 5 साल हो गए। बीप्रैक से मैं बहुत ज्यादा गप्पे भी मार लेता हूँ। जानी तो बहुत रिजर्व आदमी है, उससे मेरी कम गप्पे होती हैं। अच्छा, बट बीप्रैक से गाने में बड़ा कुछ कह देते हैं वो। बट गाने में ही कहता हूँ, बहुत रिजर्व है। हाय एवरीवन, आई एम दिव्या, यू आर वाचिंग मी ऑन एबीपी लाइव एज़ वेल एज़ ईएनटी लाइव। मेरे साथ आज वो बैठे हैं जिनकी आवाज ना आजकल आप रील पे, हर दूसरी रील पे, इनफैक्ट हर रील पे आप इन्हीं की आवाज सुन रहे होगी। सुबह से मैं खुद इनका गाना गुनगुना रही हूँ, मेरे सैया की बंदूक आपने चला दी है। वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अरे नहीं, रुकनी भी नहीं चाहिए। कैसे हो सोनू जी आप? पहले तो मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, थैंक यू जी। मुझे पहले आगे बातचीत करने से मैंने 2 लाइन सुननी है। अच्छा ठीक है, 2 लाइनें सुना है तो अब तो आप गाओ उल्टा, आप सुबह से सुन रहे हो तो अरे गाओ तो सही। अरे नहीं नहीं, अच्छा ठीक है मैं गाई। तो रहा बड़े 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 चौधरी ना मुझसे नजर मिलाए तेरे सैया तेरे सैया तेरे सैया 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 की बंदूक चले धाएं धाएं धाएं। बढ़िया, मजा आ गया लाइव सुन के, तो और ज्यादा मजा आ गया। आप फरीदाबाद से हो? हाँ जी। मुझे एक बात पूछनी है आपसे, प्लीज। फरीदाबाद की एक्सेप्शन पूछनी है मुझे। जो दिल्ली से लगती जगह है, फरीदाबाद हो गया गाजियाबाद हो गया, यहाँ के लोगों में ऐसा क्या होता है जो बाकी दुनिया भर के लोगों में नहीं होता? क्यों ऐसा क्या है? पता नहीं, यहाँ से जो लोग निकल रहे हैं वो वायरल ही हो जा रहे हैं। फरीदाबाद का पानी ऐसा हो गया। अच्छा, थोड़ा। और मुझे लगता है कुछ नेचुरल स्वैग है फरीदाबाद के लोगों में ना। हाँ। तो देखो इसलिए काफी सारे आर्टिस्ट निकले फरीदाबाद से। ये तो है, ये तो है। और जो निकलते हैं वो बस, तो आप मेरे ख्याल से फरीदाबाद शिफ्ट हो जाओ। मैं फरीदाबाद शिफ्ट हो जाऊँ, फिर मेरा भी डेब्यू बहुत जल्दी हो जाएगा, इन्हीं के किसी गाने में हो जाएगा मुझे तो लग रहा है। अच्छा, मुझे आपसे सबसे पहले सवाल है, 2009 में आपने डेब्यू किया था, फिल्म एल्बम से किया था आपने, ढोल स्पीकर टेप से रिलीज हुआ था। हाँ, तो तब जब आपने डेब्यू किया था, तब गाना वाना जब शुरू किया, तब सबसे पहले कौन सा एक्टर था जिसकी शक्ल आपको लगी कि हाँ इस पे मेरी आवाज जो है बढ़िया? तब तो मैं खुद ही एक्टर बनना चाहता था कि मैं खुद ही एक्टर बन जाऊं। फिर क्या हुआ ऐसा कि एक्टिंग से हटके थोड़ा सा सिंगिंग में भी आ गया? नहीं, सिंगर भी तो मैं था ही बचपन से, लेकिन मुझे तब शौक था कि मैं एक्टर भी बन जाऊं। और वो ख्वाब मेरा जल्दी आपको नेक्स्ट ईयर पूरा होता नजर आएगा। अच्छा, लेकिन वैसे बॉलीवुड में अगर मैं बात करूँ तो कौन से एक्टर को देख के आपको ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट जो मेरी आवाज सूट करेगी वो इसी पे करेगी? तब तो शाहरुख खान बड़े ही पसंद थे, हम तो स्कूल में थे छोटे बच्चे ना, तो अब तो बहुत सारे हैं। अच्छा, अब तो मैं चाहूंगा भी मैं कार्तिक आर्यन के लिए भी गाऊं, रणबीर सिंह के लिए गाऊं, तो अब तो ऐसे। अच्छा, बहुत सारे। और अगर मैं नवाज सर की बात करूं तो सैया की बंदूक जो आपने चलाई है, नवाज सर ने तो देखो कमाल कर दी है वीडियो में। अच्छा, जो उनके शॉट थे आपने देखा ही होगा। हाँ, मैं तो बहुत देख। सांप शेर और जाट को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, कमाल था। मशीन गन तक उठवा दिया आपने। ऐसा वो कह रहे थे कि भाई बहुत भारी है। बोले यार इतना तो मेरा वेट नहीं है जितना इसका है। अच्छा, और आपके साथ वो भी दिख रही है प्रांजल भैया? प्रांजल भैया, प्रांजल ने बहुत अच्छा एक्ट करा, बहुत अच्छी डांसर है। ओवरऑल क्या है, मतलब ये कैसे डिसाइड हुआ कि ये गाना मेकिंग में था जब कि नवाज सर को ही लेना है और साथ में प्रांजल को लेना है? नवाज सर जो हैं वो बेसिकली नवाज पाजी जानी और बीपरा अरविंद खेरा उनकी फैमिली वो मानते हैं आपस में एक दूसरे को। अब उस फैमिली में एक नया मेंबर मैं भी जुड़ गया हूँ, और ऐसा कोई प्लान नहीं था कि वो गाना नवाज सर को ध्यान में रख के बनाया गया था, कुछ गाना नॉर्मल था। अच्छा। वो अब टचवुड नवाज जी के बाद वो गाना उन पर सूट करने लगा, ऐसा लग रहा है उनके लिए बनाया था, उनके लिए बनाया था। वो जनरली जानी ने एक दिन गाना सुनाया उनको बॉम्बे में कि हमने नया गाना शूट करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा यार इस गाने को मैं ही करूँगा। अच्छा, उन्होंने सामने से बोला तो? हाँ, ऐसा नहीं था कि गाना कुछ प्लान था या हमने नवाज पाजी को लेना था। और प्रांजल को क्यों लिया इनके साथ, जबकि प्रांजल और नवाज सर बहुत ऑपोजिट है?
मेरे को नवाज भाई ने कहा कि अब की बार जो पार्ट टू करोगे ना तो पहले मेरे को 10 इंच के जूते गिफ्ट करियो क्योंकि वो थोड़ी हाइट का फर्क आ रहा था। तो मैंने कहा पाजी मेरा वादा है अगर दोबारा से सैया पार्ट टू आएगा तो उसमें मैं आपको जूते गिफ्ट करूंगा इतने बड़े बड़े। अच्छा, पर आपको ऐसा कितने लोगों ने बोला जब गाना आउट हो गया कि गाना थोड़ा और लंबा हो सकता था? हमें लग रहा है, अब हमें लग रहा है कि करना चाहिए, ग्रूव हो रहे थे लोग, और लेकिन इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ पार्ट टू लेके आने वाले हैं। सैया की बंदूक का पार्ट टू मुझे लगता है हम ले आएंगे। कब तक आ जाएगा ये तो अब मैं जानी से पूछूंगा जिसने लिखा है। अच्छा। वो कब टाइम देगा इस गाने के लिए, और मैं हर इंटरव्यू में जान करके बोली जा रहा हूँ बॉम्बे से लेके दिल्ली कि भाई बोलता रहूंगा तो उस पर प्रेशर बन जाएगा ना कि भैया सारी मीडिया में बोला हो यार। अच्छा, क्योंकि एक्चुअली मुझे लगा जब मैंने भी सुना गाना कि है वाइब है और थोड़ा और देर तक वाइब हम कर सकते थे, ये हो सकता है, लेकिन चलो उसके करके पार्ट टू आ जाएगा बिल्कुल। और आपको लगता है क्योंकि गाना हरियाणवी में है, ये मेरा पहला हरियाणवी है, वही मैं बोलने लगी पहला हरियाणवी, इस बात की मुझे और ज्यादा खुशी है कि मेरा पहला हरियाणवी मुझे इतना अच्छा रिस्पांस दे रहा है पैन इंडिया। दूसरा मैं हरियाणा से ही हूँ, फरीदाबाद से। तीसरा हरियाणवी गाने बहुत ग्रो कर गए हैं, हरियाणवी मार्केट बहुत बड़ी हो गई है। मैं ये पूछना चाहती हूँ पंजाबी के साथ साथ हरियाणवी बहुत बड़ी हो गई, अब हरियाणवी गाने बिलियन बिलियन जा रहे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सवाल मेरा ये था कि हरियाणवी गाना आपने बनाया पैन इंडिया, तो नवाज भाई को हरियाणवी बोलनी सिखाई थोड़ी गाने से पहले या गाने के दौरान? वो डायलॉग उन्होंने बोला ही है तो सीखा ही होगा, जानी ने सिखाई होगी पक्का। अच्छा, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि जब भी कोई हरियाणवी गाना सुनता है ना, या एक्ट करना तो चलो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात हो गई, जब हम सुनते भी है ना, कोई बंदा अगर लड़ाई करने वाला ना भी हो, गुस्से वाला ना भी हो, तो लड़ने लग टेंशन मारने वाला ना भी हो, तब भी उसमें एक अलग स्वैग आ जाता है। ये सच बात है, देखो उस और पता नहीं उस गाने के बाद से मुझ में खुद में स्वैग आ गया थोड़ा। अच्छा अच्छा ठीक है, आपको और किसने बोला कि यार जब गाना सुन रहे हैं तो लग रहा है कि हम भी बंदूक उठा के? और ये मेरे को आज काफी सारे इंटरव्यू पे यही बात हो रही है बार बार, तो मैं बार बार उनको यही समझा रहा हूँ कि ये गाना कोई दंगे फसाद कराने नहीं आया नवाज भाई और प्रांजल लास्ट में वीडियो में पुलिस वाले हैं, ये बंदूक चलाने लास्ट में बंदूक चलाने का काम सिर्फ पुलिस का है, तो प्लीज कोई बंदूक ना उठाएं, सिर्फ इस पे डांस करो, रील बनाओ, मुझे टैग करो, कमेंट करो। अच्छा, बड़े सारे स्टार्स में देख रही हूँ जो इस पे रील जिनकी वायरल हो रही है, उसमें से हिना खान भी है, आपकी दोस्त भी है मुझे? मेरी बहुत अच्छी दोस्त है हिना। कब से दोस्त है आपकी? मेरे को 6 साल हो गए हिना से मेरी दोस्ती को। 6 साल हो गए, रिसेंटली भी उनके साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है? नहीं, ऊपर नीचे कुछ नहीं चल रहा, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है और शेर खान है, और मैं तो उससे बहुत कुछ सीख रहा हूँ जिंदगी में कि छोटी मोटी परेशानियों से आपको लोग डर जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, उससे तो सीखना चाहिए, इंस्पिरेशन है वो सबके लिए कि इतनी बड़ी जो जंग लड़के वो बाहर आ रही है और इतनी पॉजिटिव है। मैं फर्स्ट टाइम जब मुझे बताया उसने कि यार सोनू ऐसे ऐसे हो गया, मैं थोड़ा सा भावुक हो गया था, बट उसने मेरे को कहा तू पागल है, कह रही यूं आई मैं ठीक होके। अच्छा, तो हिना तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है, मैं सबको ये कहना चाहूँगा उससे सीखने की जरूरत है बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं आपकी बात करूँ, आपने कब सोचा था कि हाँ चलो इसमें चलते हैं, सिंगिंग लाइन में चलते हैं, एक्टिंग लाइन में चलते हैं? मेरे को फरीदाबाद से निकले लोग ना कम ही, मुझे लगता है फैमिली की तरफ से ना थोड़ा सा कम ही होता है। नहीं नहीं, बहुत कम। अरे बिजनेस में ज्यादा जाने के लिए? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा, बिजनेस में जाने के लिए, या उनको मेरे फादर को था भाई सेटल हो जाओ अच्छे से, मेरा भाई जॉब करता है, उसकी अच्छी खासी सैलरी थी उस टाइम पे, और मैं लगा था बसों में चक्कर काटने फिल्म सिटी टी सीरीज के, तो उनको लगा था कि यार ये मेरा बेटा कौन सी फील्ड में चल पड़ा है। फिर कितना टाइम लगा थोड़ा सा ये यहाँ तक पहुँचने में कि हाँ अब हो रहा है, अब हो गया है? जब गाना आया तो 2009 में उनको, मैं बहुत छोटा था, मैं 17-18 साल का हूँ जब मेरा पहला एल्बम आ गया था, तो बट उन्हें बड़ी खुशी हुई जब मैं शोज करने लगा, मुझे लोग पैसे देने के बुलाने लगे, तो मेरा डैडी बड़ा खुश हुआ कि यार तो कमाल हो गया। अच्छा, और कुछ अखबारों में फोटोज आने लगे, पड़ोसियों ने बधाई देनी शुरू कर दी। जानी वी प्रैक से मिले हुए मेरे को 5 साल हो गए, दोनों मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और वी प्रैक से मैं बहुत ज़्यादा गप्पे भी मार लेता हूँ, जानी तो बहुत रिजर्व आदमी है, उससे मेरी कम गप्पे होती हैं। अच्छा, बट वी प्रैक से गाने में बड़ा कुछ कह देते हैं वो, बट गाने में ही कहता हूँ बहुत रिजर्व है, बहुत शाय है, बहुत शर्मीला है वो, मेरे ख्याल से 2 ही शादियों में गया, ऐसा उसने मुझे एक दिन कहा कि या तो मैं अपनी शादी में गया था या आपकी शादी में आया हूँ, उसने मेरी शादी में मुझे ऐसा बोला कि भैया या तो मैं अपनी में गया था या आपकी में आया हूँ, मतलब बहुत शर्मीला है, बहुत रिजर्व है। गाने में तो वो सबको रुला भी रहे हैं,
नचवा भी रहे हैं, सब कर रहे हैं। देखो वो तो उसका टैलेंट है, बहुत टैलेंटेड है। और बीप रैक बहुत अपोजिट है, उसको आप हर जगह देखोगे छाया हुआ है भाई। तो दोनों की जोड़ी अच्छा इसलिए बनती है क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट्स वाली, अपोजिट ही बनती है हमेशा जोड़ी। और आपका दोनों से कैसा? मेरा दोनों से बहुत प्यार है, दोनों मेरे भाई हैं। आप रिजर्व हैं, आप बातचीत करते हैं? नहीं मैं रिजर्व नहीं हूं। आप रिजर्व नहीं हैं? मैं कोशिश करता हूं बट मैं रह नहीं पाता। अच्छा ठीक है। और इसके सैया की बंदूक की बात करूँ तो कब से ये गाना लिखना उन्होंने शुरू किया है? गाना तो 4 साल पहले लिख दिया था ये जानी ने, लेकिन बस इसको हम कर ही नहीं पाए। आजकल कभी कोविड आ गया, कभी कुछ हो गया। तो जब भी लिखना शुरू हुआ तब से आपके साथ ही बातचीत चल रही थी या जो भी था? उससे पहले से। अच्छा उससे पहले से। गाने को लेके मेरा उनसे कोई कमर्शियल रिश्ता नहीं है, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, हम एज ए लाइक फैमिली। अच्छा ठीक है। और अगर बॉलीवुड की बात करूँ तो जो इतने सारे म्यूजिक कंपोजर हैं, एक्टर हैं, ये हैं वो हैं, आपको अब आगे जाके किस किस के साथ क्या क्या कोलैब करना है? बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ कोलैब करना है। सबसे जिसके साथ मोस्ट हो कि एक ये वाला एक्टर और ये वाला म्यूजिक कंपोजर। नाम मैं नहीं खोलूंगा किसी का भी क्योंकि मुझे बहुतों के साथ काम करना है। अच्छा। तो लेकिन हाँ आने वाले 2 गाने बहुत बड़े आ रहे हैं और बहुत बड़ी फीचरिंग नजर आएगी। थोड़ा सा हिंट। बहुत ही प्यारी और बॉलीवुड की बहुत ही उमदा परफॉर्मर, उमदा डांसर आ रही है हमारे गाने में, हमारे नेक्स्ट गाने में आपको नजर आएगी, आपको मजा आएगा उनका डांस देख के, उनकी ब्यूटी देख के। ठीक है। और एक सवाल और है मेरा लास्ट में कि अगर आपको भोजपुरी गाना हो तो आप गालोगे? क्योंकि भोजपुरी का आपको पता है वो भी बॉलीवुड तक पहुंच तो गया ही है। हाँ पहुंच गया है मैं, लेकिन मेरा भी ऐसा कोई प्लान नहीं है भोजपुरी का। तो अभी आगे हरियाणवी, पंजाबी से हरियाणवी, हरियाणवी से हिंदी पे आ गया हूँ, तो उसी में रहना चाहता हूँ। उसी में रहना चाहते हो? ठीक है। तो फिर जब सैया की बंदूक पार्ट 2 आएगा मैं सबसे ज्यादा वेट कर रही हूँ। नहीं जी थैंक यू वेरी मच, और मैं जल्दी बनाऊंगा और जानी भाई को रिक्वेस्ट करूंगा, देखो सुन लो अब। रिक्वेस्ट है सब, हम मेरी इनकी सबकी तरफ से रिक्वेस्ट, जल्दी लिख दो आप जल्दी लिख। और इसमें कोई 4 साल नहीं लगेंगे, 40 दिन में गाना बना के मार्केट। तो इसमें भी नवाज सर ही देखने को मिलेंगे? अब पूरी कोशिश करेंगे, अब उनको मैं प्रॉमिस भी करके आया हूँ बड़ी हील का। ओके ठीक है। ओके बहुत अच्छा लगा सुनो आपसे बात करके, एंड आई रियली विश के फटाफट से पार्ट 2 आए, तब तक मैं भी गाना सीख जाऊंगी, तो उस वाले इंटरव्यू की शुरुआत मैं गाके करूंगी। ठीक है, थैंक यू। ओके थैंक यू, लवली, बाय जी, बाय। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।